गोल्डबर्ग ने आज स्मैकडाउन में क्या कहा, रोमन रेंस ने खाया दूसरी बार स्पीयर और जानेंगे क्या कुछ बड़ा हुआ आज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम स्मैकडाउन लाइव से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों आपके आर्थ्रुथ के ऊपर। तो आर्थ्रुथ ने दोस्तों आज फिर से एक फनी सेगमेंट पुट किया, जहां दोस्तों वो 4 टाइम यानी कि वाकई में 4 टाइम 24/7 चैंपियन बने। अगर दोस्तों इसी स्पीड से वो चैंपियन बनते रहे तो वो रिक फ्लेयर, जॉन सीना के रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। केवल 3 हफ्तों में 4 बार ये चैंपियन बन चुके हैं। तो क्या हुआ आज, चलिए जान लेते हैं। तो आज स्मैकडाउन लाइव के अंदर एक लंबर जैक मैच रखा गया था, जिसमें बहुत से सुपरस्टार्स रिंग के इर्द गिर्द खड़े हुए थे। फाइट थी दोस्तों अलायस वर्सेस आर्थ्रुथ के बीच में और चैंपियनशिप दाव के ऊपर थी, और इस मैच को बड़ी आसानी से जीत जाते हैं अलायस और बन जाते हैं न्यू 24/7 चैंपियन। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि सारे रेसलर्स धावा बोल देते हैं अलायस के ऊपर, अलायस बचकर निकलते हैं और रिंग के नीचे घुस जाते हैं और उन्हीं के साथ घुस जाते हैं आर्थ्रुथ, और अंदर जाकर यानी कि रिंग के नीचे आर्थ्रुथ फिर से कर देते हैं अलायस की पिन और बन जाते हैं 4-time 24/7 चैंपियन। तो काफी मजा आ रहा है दोस्तों इस चैंपियनशिप के साथ। लेकिन बात कर ली जाए और क्या कुछ बड़ा हुआ आज स्मैकडाउन लाइव में, गाइस आज रोमन रेंस फिर से पिट गए। ये दूसरी बार हुआ है कि उन्होंने स्पीयर खाया शेनो मैक से। तो आखिर ये चीज हुई कैसे वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। दरअसल आज शेनो मैक और दरी वैवल रिंग के अंदर आई, जहां शेनो मैक ने रोमन रेंस के खिलाफ एक प्रोमो काटा। वो बोले कि रोमन रेंस से फाइट करना बिल्कुल ऐसा है जैसे कि किसी कुत्ते को ट्रेंड करना। लिटरली उन्होंने ये कहा कि किसी कुत्ते को ट्रेंड करना यानी कि रोमन से फाइट करने के समान है। और जिसके बाद दोस्तों में देखने को मिलता है कि रोमन रेंस वहां गुस्से में आते हैं, द रिवाइवल उन पर रैंप के ऊपर हमला करती है, लेकिन रोमन रेंस उनसे निपट जाते हैं। लेकिन जैसे वो रिंग की तरफ बढ़ते हैं, वहां आ जाते हैं ड्रू मैकइंटायर और लगा देते हैं उन्हें क्लेमोर किक, जिससे वहां रोमन रेंस हो जाते हैं मूर्छित। और उसके बाद ड्रू मैकइंटायर उन्हें रिंग के अंदर धकेल देते हैं और वहां शेनो मैक वही चीज रिपीट करते हैं जो कि मंडे नाइट रॉ के अंदर आपने देखी थी, यानी कि दोस्तों शेन मैकमैन का रोमन रेंस को स्पीयर। तो यहां फिर से स्पीयर लगाना एक तरीके से उन्हें मॉक करना ही था, और वहां शेन ने खुलेआम मॉक भी किया। साफ है दोस्तों कि इनकी फाइट काफी इंटेंस हो चुकी है, काफी हाइप हो चुकी है। लेकिन क्या रोमन रेंस अपना बदला ले पाएंगे या फिर शेन मैकमैन वहां जीत जाएंगे, ये तो समय बताएगा। बट अब हम चलते हैं आज की मेन खबर के ऊपर, जो कि जुड़ी हुई है बिल गोल्डबर्ग से। तो आज गोल्डबर्ग दोस्तों स्मैकडाउन में आने थे, वो आए और उन्होंने वहां बहुत सी चीजें कही जिसे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, यानी कि फुल ट्रांसलेट करके बताऊंगा। तो आज दोस्तों जो गोल्डबर्ग का सेगमेंट था वो अंत में रखा गया था और गोल्डबर्ग ने एंट्री ली। काफी अच्छी एंट्री वो थी, काफी एपिक एंट्रेंस वो लग रही थी, क्योंकि पहली बार वो स्मैकडाउन में कदम रख रहे थे। वो दोस्तों रिंग में आए, लोगों का प्रोत्साहन उन्हें मिला और गोल्डबर्ग ने माइक पकड़कर जो पहले शब्द कहे वो ये थे। गोल्डबर्ग बोले कि मैंने 20 साल तक इंतजार किया है, 20 साल तक अंडरटेकर को फेस करने का मैंने सपना देखा और फाइनली ये पूरा हो रहा है। मैंने अंडरटेकर की रॉ की सारी बातें सुनी, जहां उसका कहना ये था कि उसे फैमिली मैन गोल्डबर्ग नहीं चाहिए, उसे चाहिए आइकॉनिक गोल्डबर्ग जिसकी 173 की स्ट्रीक थी। उसे वो WCW का गोल्डबर्ग चाहिए जो कि काफी डिस्ट्रक्टिव था। और अंडरटेकर, मेरे दिमाग की बतिया तुमने जला दी है, क्योंकि अगर मैं वाकई में फैमिली मैन बनकर आता तो शायद तुम्हारे सामने नहीं टिक पाता, लेकिन अब तुम्हें वो मिलेगा जिसकी तुम चाहत किए हो, यानी कि तुम्हें आइकॉनिक गोल्डबर्ग ही फेस करेगा। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि लाइट्स हो जाती है ऑफ और जैसे ही ऑन होती है अंडरटेकर होते हैं सामने। गोल्डबर्ग और अंडरटेकर के बीच में एक तगड़ा फेस ऑफ वहां होता है, कुछ ही सेकंड का था वो, लेकिन दोस्तों काफी इंटेंस था। और तब हमें देखने को मिलता है कि लाइट्स फिर से ऑफ हो जाती है और अंडरटेकर गायब। उसके बाद दोस्तों गोल्डबर्ग कहते हैं कि अंडरटेकर योर नेक्स्ट टू बी रेस्ट इन पीस। तो काफी बड़ा दोस्तों एक तरीके का सेगमेंट हमें देखने को मिल गया, और यहाँ कई चीजें मानी जा रही थी कि ये होगा वो होगा, लेकिन वो चीजें नहीं हुई। क्लासिक वे में दोस्तों यहाँ हमने देखा कि अंडरटेकर और गोल्डबर्ग एक दूसरे के करीब आए और मैच काफी बड़ा बन चुका है। आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं, क्लासिक अंडरटेकर को या फिर आइकॉनिक गोल्डबर्ग को, आज के कमेंट सेक्शन में बताना मत भूले। वेल दोस्तों आज की वीडियो इतनी थी, पसंद आई वीडियो को लाइक करना मत भूले। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब खैर।